हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट वाला। आज मैं बताऊंगा हाउ टू गेट 5% पीआर। यस, आज भी बताने वाला हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारा मटेरियल भी चाहिए, प्रीमियम कार्ड चाहिए। पहले तो आपके पास सभी प्रीमियम कार्ड एक बार सेट हो गया, फ्री टू प्लेयर, नॉर्मल प्लेयर, उसके बाद पीआरस को आने के लिए कोशिश करो। मेरे पास सभी कार्ड में 2% पीआरस ही है, लेकिन 5% पीआरस के लिए आपको 5-स्टार ब्लू चाहिए, 5-5 स्टार ब्लू चाहिए। तो मैं आज कोशिश करूंगा बिना क्रिस्टल का भी स्पिन को कोशिश करूंगा, क्रिस्टल भी स्पिन करूंगा, बिकॉज ब्लैक फ्राइडे इज कमिंग इन नवंबर लास्ट वीक। सो चलो मैं पहला प्रीमियम कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, सभी कार्ड यूज़ कर दूंगा, कोई भी कार्ड नहीं बचाऊंगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 5 कार्ड सेट है। तो पीएस आने के लिए कोशिश करूंगा। चलो मैं कोई भी क्रिस्टल यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ। यस, आप भी ऐसा गलती मत करो। मैं इसमें गलती किया कि क्रिस्टल स्पिन नहीं किया, लास्ट में थोड़ा स्पिन किया। अभी देखो, 500 तो मुश्किल, 99% यू विल नॉट गेट ए 5-स्टार, मतलब 5 ब्लू स्टार आप मिलेगा ही नहीं। अभी सभी क्यों पीयर्स लेने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आप कैरेक्टर कितना भी बिल्ड करेंगे, हाई कंटेंट पीवीपी रहने दो, पीवीई वर्ल्ड बॉस लेजेंड अल्टीमेट सभी खेलने के लिए पीयर्स इज सो गुड। पीयर्स से आपको इग्नोर डिफेंस बॉक्स का डैमेज आपको इग्नोर कर देता है, इसके लिए पीयर्स इज सो गुड गाइस। कैरेक्टर और सीटीपी देखिए, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता अभी का गेम में, विदाउट पीयर यू कॉन्ट डू एनीथिंग। बिकॉज आपको देखो वर्ल्ड बॉस हाई प्ले हाई स्टेज खेलने के लिए पीयर्स चाहिए, ना स्टेज 99 रहने दो, वर्ल्ड बॉस अल्टी लेजेंड रहने दो, हाई स्टेज खेलने के लिए पीयर्स चाहिए। मेरे पास ओनली 10% पीयर्स है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है, लेकिन विदाउट स्पेंडिंग क्रिस्टल नहीं हो पा रहा है। नॉर्मली कैरेक्टर नॉर्मल 10 कैरेक्टर तक 15 कैरेक्टर तक बिल्ड करना चाहिए नॉर्मल, अभी नॉर्मल प्लेयर रहने दो, फ्री टू प्लेयर 20 करके वो भी ओनली 6 मंथ या 8 मंथ खेल रहा हूँ, उनका भी अच्छा ठीक ठाक कार्ड आएगा, लेकिन पीएस आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं भी पीएस आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इस बार मैं क्रिस्टल स्पेंड कर रहा हूँ 100 क्रिस्टल, लेकिन पहला गलती किया। आप भी ऐसा गलती मत करो, क्रिस्टल स्पेंड करो मतलब ब्लू स्टार अच्छा वाला स्टैट्स को लॉक करो। अभी मैं लॉक किया, कूल डाउन डोरेशन ग्रो डिफेंस सो इंपॉर्टेंट, सो स्टार लॉक किया, लेकिन मेरे पास दूसरा फिजिकल अटैक अच्छा है, लेकिन ब्लू स्टार चाहिए, ऑल अटैक इंक्रीज डिफेंस ठीक ठाक है, लेकिन रेड स्टार नहीं चाहिए मुझे, ब्लू स्टार चाहिए। एंड चलो मैं वापस क्राफ्ट कंबाइन करता हूँ, ये मटेरियल आपको डायमेंशन मिस्टर पे मिलेगा, लेकिन मैं वापस लॉक कर रहा हूँ 100 क्रिस्टल स्पेंड करके, इग्नोर डिफेंस कूल डाउन डोरेशन, एंड वापस रीरोल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गेट, नो आई एम नॉट गेटिंग, यस मेरा लक उतना अच्छा नहीं है गाइस, एंड बस मेरा कार्ड खत्म हो गया। लेकिन मैं वापस खेला मतलब वापस मैं महीनों में से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आपको बता रहा हूँ कि मुझे महीने में एक बार तो कार्ड मिल जाता है, यस बिकॉज ऑफ द इवेंट से, एंड वापस मैं 3 स्टैट को लॉक करने वाला हूँ। आई थिंक आई डोंट नीड माइंड रेसिस, माइंड रेसिस अच्छा नहीं है, लेकिन लॉक कर सकता हूँ, एंड चलो देखता हूँ। एंड सबको मैं गलती कर रहा हूँ, 150 क्रिस्टल ही स्पेंड कर रहा हूँ, बिकॉज ब्लैक फ्राइडे इज कमिंग, अगेन आई एम टेलिंग ब्लैक फ्राइडे सेव द क्रिस्टल, एंड मैं 150 क्रिस्टल स्पेंड करके मुझे एक बार 5% कार्ड आ गया ना, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब अकाउंट में बहुत चेंजेस मिलेगा, वर्ल्ड बॉस ज़्यादा हाई स्टेज के, ओ माई गॉड, लिटरली गॉड, मेरा लक उतना बेकार है ना, एक ब्लू स्टार आ गया, मतलब सभी ब्लू स्टार आ गया, एक ही रेड स्टार कोल्ड रेसिस, अभी सभी को मैं लॉक करूँगा तो मुझे क्रिस्टल ज़्यादा चलेगा, लेकिन चलो जो है अभी मेरे पास 2% पीएससी है, इन फ्यूचर मैं चेंज करूँगा गाइस, तो आपको पता चल के कैसा पीएस लाने का, ऐसे ही मेथड में करने का। आज के लिए वीडियो में बताया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।